दोस्तों आज 3 नवंबर 2022 को रेनबो चिल्ड्रेंस मेडिकयर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है ये कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर क्यूटो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीन करोड़ है जो क्यूवन में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यूटो में दो करोड़ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग अट्ठारह की बढ़त है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर यह 32 परसेंट बढ़ा है Q2 में टोटल इनकम तीन करोड़ है जो Q1 में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये दो करोड़ था तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर क्वार्टर ये बत्तीस बढ़ा है क्यूटू में प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स इक्यासी करोड़ है जो क्यूवन में ये बावन करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यूटू में ये इकसठ करोड़ था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर 33 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये छप्पन परसेंट बढ़ा है क्यूटू में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इकसठ करोड़ पचास लाख है जो किन में ये अड़तीस करोड़ छिहत्तर लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यूटू में ये पैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख था तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग छत्तीस की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह उनसठ बढ़ा है क्यूटू में डायलूटेड ई पी एस छः रुपये छः पैसे है जो क्यूवन में तीन रुपये अठहत्तर पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्यूटू में ये चार रुपये अस्सी पैसे था यू में ईयर ऑन ईयर 26 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 60 परसेंट बढ़ा है क्यू में कॉन्सोलीटेड एबिटा एक सौ करोड़ बावन लाख है जो क्यू में ये बिरासी करोड़ एक लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये नवासी करोड़ इक्कीस लाख था एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेईस की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये तैंतीस बढ़ा है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर टू में ये पैंतीस है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये थर्टी था और प्रीवियस ईयर के क्यू टू में ये थर्टी था तो एबिट्टा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है तो मुझे रेनबो चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद